और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन कार्ड की जो डिटेल है उसे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में नीचे सबमिट डिटेल का ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पैन इज ऑलरेडी वेरीफाइड अगेंस्ट ए डिफरेंट यूजर, इस तरह का एरर हमें देखने के लिए मिलता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के यूजर है, टीम वगैरह बना करके पैसे कमाने की चाहत रखते हैं, मगर दोस्तों जब हम थोड़े बहुत पैसे जीत जाते हैं तो उन्हीं पैसे को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की KYC करनी होती है, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने पैन कार्ड को लिंक करना होता है। और इन दिनों दोस्तों काफी सारे यूजर को पैन कार्ड को लिंक करते समय एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, जो कि अभी आपने देखा है कि जब भी हम पैन कार्ड को लिंक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि दिस पैन इज ऑलरेडी वेरीफाइड अगेंस्ट ए डिफरेंट यूजर। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो पैन कार्ड है वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट अकाउंट के साथ में लिंक है। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आपको फिक्स करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मगर उससे पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऊपर ऊपर आपको साइड में गोल गोल आपका जो प्रोफाइल का आइकन देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एकदम से नीचे ही आपको चैट विद अस करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की जो चैट बॉक्स है वो ओपन होकर के आ जाएगी। सो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हमें टाइप हिंदी एंड इंग्लिश में टाइप करने का एक ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे हमें टाइप करना है कि माई पैन कार्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड, और इतना लिखने के बाद में हमें इस मैसेज को सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद में देखिए हमारे सामने रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें रेज ए रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये आपको क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट कर देगा। करने के बाद में हमारे सामने एक नया यूजर इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने रेज ए रिक्वेस्ट की न्यू टैब आ चुकी है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मगर आपको एकदम से नीचे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है पैन बैंक एरर का, इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसके बाद में देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इश्यू विद पैन बैंक का, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फेसिंग इश्यू विद पैन वेरिफिकेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का नंबर होता है उसे यहाँ पे एंटर करना है। पैन नंबर को एंटर करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है एरर मैसेज का। अब यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जब हम पैन कार्ड को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से लिंक कर रहे थे तो वहाँ पे जो हमें ऊपर एरर आया था वही एरर को यहाँ पे आपको लिख करके टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है दिस पैन इज ऑलरेडी वेरीफाइड अगेंस्ट ए डिफरेंट यूजर, ये एरर हमें देखने के लिए मिल रहा था, तो यहाँ पे ये आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा कि सर ये मेरा पैन नंबर है और जब मैं अपने अकाउंट से इसे लिंक करने के लिए जाता हूँ तो इस प्रकार का जो एरर है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से जाकर के आप इसे कॉपी कर लीजिएगा और सीधे के सीधे यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे प्रिफर्ड लैंग्वेज करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में बातचीत करने में सक्षम है तो इंग्लिश का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां की भाषा यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में हम आगे आते हैं। तो जब हम नीचे आएंगे तो यहां पे हमें पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो अब दोस्तों यहां पे जो हमारा पैन कार्ड है जो कि लिंक नहीं हो रहा है उसकी हमें एक फोटो क्लिक करनी है अपने मोबाइल के कैमरे से, और एक अच्छी सी फोटो आपको क्लिक करनी है जहाँ पे आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एकदम हाईलाइट होनी चाहिए, किसी तरह का यहाँ पे आपको ब्लरनेस नहीं चलेगा, एकदम क्लियर फोटो आपको खींचना है। और यहाँ पे आपको अपलोड पैन का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपको अपनी फोटो को अटैच करके अपलोड कर देना है।
सारी डिटेल डालने के बाद में आपको नीचे सबमिट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाती है। रिक्वेस्ट डालने के बाद में बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपको 7 दिन के अंदर अंदर ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर की तरफ से कॉल बैक आएगी। तो वहाँ पे आपसे वो आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे, तो वहाँ पे आपको बताना है कि सर ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का अकाउंट है और इस अकाउंट से मेरा जो पैन नंबर है वो लिंक नहीं हो रहा है, जब भी लिंक करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे दिस पैन इज ऑलरेडी वेरीफाइड डिफरेंट यूजर, इस तरह का एरर मुझे दिखा रहा है, तो प्लीज इस प्रॉब्लम को फिक्स करिए। तो वहां पे वो आपसे वेरिफिकेशन करेगा, आपका पैन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और वहां से आपका जो अकाउंट है उसके अंदर लिंक कर देगा। यानी कि किसी दूसरे अकाउंट से अगर वो लिंक है तो वहां से हटा करके आपका जो नया अकाउंट है उसके अंदर लिंक कर देगा और सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पे आपका जो ड्रीम इलेवन अकाउंट है उसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो अगर आपका भी पैन कार्ड ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से लिंक नहीं हो रहा है तो ये मेथड आप जरूर से ट्राई करिएगा, 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो क्या कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बने बेल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हमारे YouTube चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।